शादी करो जाओ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मधु को मैंने धोखा दिया, अपनी बहनों के सामने झूठ बोला, तुम्हारी बेइज्जती की। मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मुझे पता चल गया है कि औरत की इज्जत क्या होती है और बहनों का दुख क्या होता है। ठीक है बेटा, माफी मांगकर तुमने जो पाप किए थे वो सब धुल गए। अभी नहीं माँ, मेरे पाप उसी वक्त धुलेंगे जब मैं मधु से शादी करूंगा। मुझे माफ कर दो मधु। राजू भैया, आपने मेरी आंखें खोलने के लिए जो किया वही हर भाई करता। मैं तो मधु से शादी कर लूंगा, मगर आप मेरी तीनों बहनों के साथ कैसे इंसाफ करोगे? वो तीनों तुम्हारे बच्चों की मां बनने वाली है। मैं चलता हूं, फैसला आप पे छोड़ता हूं। राजू, जो मैंने सुना वो सच है? जवाब दो राजू, मुझे जवाब चाहिए। तूने अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत की? तुमने तीन अबलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया? जिन्होंने मेरी बेइज्जती की वो तो गैर थे, लेकिन तू तो मेरा अपना खून है राजू। तूने कैसे अपने मां के नाम पर इतना बड़ा दाग लगाया? बता राजू, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने? इस वक्त मैं तुझे सिर्फ इतना ही बता सकता हूं मां, कि अपने खून पर भरोसा रख। I can't believe, तीनों एक साथ? शर्मा साहब, आपका शक सही है, आपकी तीनों बेटियां गर्भवती हैं। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है? अब कोई रास्ता नहीं है, तीनों की शादी करवा दीजिए। शादी? किससे करो तुम तीनों की शादी? एक ही आदमी के साथ तुम तीनों के फेरे करवा दूं और अपने चेहरे पे बेहयाई और बेइज्जती की काली पोत दूं? कितना भरोसा था अपनी परवरिश पर, अपने खून पर। सिर्फ एक ही बात की कमी रह गई, तुम तीनों का घमंड खत्म नहीं कर सका मैं, और आज वही घमंड हम सबको खत्म करने पर तुला है। मां बाप अपने औलाद के माथे पर चमकता चांद देखने की तमन्ना करते हैं, और औलाद मां बाप के माथे पर बदनामी का दाग लगा दिया करती है। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, प्यार में हम अंधी हो गई थी। हम में से किसी को पता नहीं था कि हम एक ही से प्यार करने लगे। प्यार करना पाप नहीं है, लेकिन प्यार में अंधे बनना, शादी से पहले मां बनना जरूर पाप है। वो एक ख्वाब था, सैलाब था, जिसमें हम सब बह गए। और तुम तीनों ये समझते हो कि इस सैलाब के पानी में तुम्हारा बाप रोज डूब डूब कर मरता रहेगा, तो ये तुम्हारी भूल है। इस बदनामी से बचने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। इस घर की मौत हम सबकी मौत। गुरु, गुरु, गुरु। क्या हुआ? गंगा जमुना सरस्वती को हिटलर उठा के ले गया। क्या? हाँ। यह कमीनी हरकत उस कमीनी के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन डुगरोस, अब सले हिटलर हटेला की कहानी खत्म। लगता है तीनों को होश आ गया है। मंगलसूत्र पहनाकर कोई भी किसी से भी शादी कर लो। जल्दी करो, शुभ अवसर निकलता जा रहा है। शर्मा, तुम अपने इन बेटियों को मेरी बहुओं के रूप में देखोगे। राजू, तुम अपनी बहन का बदला लेने आए थे, तो फिर हमें फंसाया क्यों? अब तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म जरूर देती और तुम्हारी निशानी को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती। अगर कल तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप हुआ और तुमने मुझसे शादी करनी चाहिए, तो
मैं अपनी दोनों बहनों के साथ कैसे इंसाफ कर सकूंगी? वो भी तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, और अब इसलिए मेरा मर जाना ही ठीक है राजू, मेरा मर जाना ही ठीक है। ये क्या किया तुम लोगों ने, मुझे मर जाने दिया होता। हमारे झूठ की इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। झूठ? हाँ, हमने झूठ कहा था कि हम माँ बनने वाली हैं। दरअसल जब तुमने उल्टी की तो मैंने सोचा राजू को पाने के लिए नाटक कर रही हो, इसलिए मैंने भी नकली उल्टी की। ये देखकर मैंने भी उसी उल्टी के ड्रामे का सहारा लिया। हाँ। मगर वो डॉक्टरी चेकअप वो भी नकली था। मैंने मनगढ़ंत कहानी बनाकर डॉक्टर साहिबा को बेवकूफ बनाया, और मैंने भी रिश्वत देकर अपना काम बनाया। राजू की तो सिर्फ तुम ही दुल्हन बनोगी। मगर तुम दोनों भी तो उससे प्यार करती हो। हमने सिर्फ प्यार किया, मगर तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसीलिए अब सिर्फ उस पर तुम्हारा हक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सच्चाई ने मुझे बहुत बड़ी रुसवाई से बचा लिया, वरना खुद खुश करने के बजाय मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। नहीं अंकल, कसूर आप में से किसी का नहीं, सिर्फ मेरा था। सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं अपनी मां और बहन के बदले की आग में दूसरों की भावनाओं को जला बैठा था। मैं ये भूल गया था कि मेरी मां और बहन की तरह ये तीनों भी किसी घर की इज्जत है। इस कसूर के लिए आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। पिताजी तो रिटायर हैं, इसलिए सजा हम देंगे। तुम्हारी पहली सजा यह है कि तुम हमारे कसूर को माफ करके अपनी बहन मधु को दुल्हन बनाकर जल्द से जल्द हमारे घर भेजोगे, और तुम्हारी दूसरी सजा है तुम्हारी और गंगा की शादी। सजा ग्रांटेड। मैं शायद दुनिया का पहला मुजरिम हूँ जिसकी इतनी संगीन जुर्म की सजा इतनी रंगीन। मुझे मंजूर है। अरे वाह वाह वाह। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? शर्मा, मैंने कहा था ना कि मैं मेरे लड़कों की शादी तेरे तीन लड़कियों से करूंगा। देख, तेरी तीनों बेटियां मेरी बहुएं बन गई है। मुबारक हो। मुझे लगा तू नाराज हो जाएगा, लेकिन तेरी बोलती ही बंद हो गई। लगता है तूने मेरे कैरेक्टर को समझ लिया और अपने हथियार डाल दिए। चलो अच्छा है, चल सबको आशीर्वाद दे दे। अरे सोचता क्या है, हारने वाले कभी सोचा नहीं करते, हंसते हंसते अपनी हार कबूल कर लेते। अपनी बेटियां बहू के रूप में कैसी लगती है वो तो देख। बच्चो जरा इन लड़कियों के चेहरे पर से फूल तो हटाओ। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें दिखाता हूं ना चेहरा। गंगा, जमुना, सरस्वती। आओ पड़ो ससुर जी। फिर ये कौन है? देखो ओवर टाइम हो गया, 2000 रुपए ज्यादा दीजिए। धोखा, हिटलर के साथ धोखा। शर्मा, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरे कैरेक्टर को लोग समझते क्यों नहीं? क्योंकि तू एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। तू कौन है? मैं दो नंबर ही, तुझसे एक नंबर आगे। अच्छा, तो वही है तू जिसने इन तीन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इनकी जिंदगी बनाने की सोच रहा था तो तूने बीच में टांग अड़ा दी। मैं टांग अड़ाता नहीं, मैं टांगे तोड़ देता हूं। अब बताओ, तुम लोग अपनी अपनी टांगों पे यहां से जाओगे या मैं फोन करके एम्बुलेंस बुलाऊं? एम्बुलेंस नहीं अर्थी, लेकिन अपने लिए। आप लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं हैं? ससुर जी, एक काम करो, अपनी बहुओं को साथ लेते जाओ, खूब सेवा करेंगी। तुम्हारे कैरेक्टर को तो लोग समझ गए, अब तुम इनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं सबको समझ लूंगा। चलो बच्चों। हंसो हंसो।
रुलाया नहीं तो मेरा नाम हिटलर हटेला नहीं। ये मेरा नाम है हिटलर हटेला। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? पिताजी एक बात हम आपको बता देते हैं, सारी बाजी हारने के बाद भी आपने अपनी अक्कड़ नहीं छोड़ी है। अरे आज से अपना नाम हिटलर हटेला नहीं हिटलर थकेला रख लीजिए। मैं तो पहले से ही कहता था कि पिताजी को पुलिस के हवाले कर दूं। अबे उल्लू के पट्ठो चुप बैठो, तुम्हारा बाप हारा नहीं, बाजी अभी तक खत्म नहीं हुई। आखिरी चाल मेरी होगी और जीत भी मेरी होगी। कल राजू की बहन की शादी है ना अरुण के साथ, उसने मेरे बच्चों की शादी नहीं होने दी, मैं उसके बहन की शादी कैसे होने दूंगा? मेरे कैरेक्टर को लोग समझते क्यों नहीं? तेरे भाई ने मेरे बच्चों की शादी नहीं होने दी, अब ये तीन सांड है, कुवारे तो नहीं रह सकते, अब ये तीन तेरे साथ शादी करेंगे। नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ो, मंगलसूत्र पहनाओ और सुहागरात मनाओ। लेकिन डैड लड़की तो एक है और हम लोग तीन। तो क्या हुआ, द्रौपदी एक पांडव पांच? अरे लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? लेकिन पा एक बात हमारे जहन में नहीं आ रही है कि पहले लड़की के साथ सुहागरात कौन मनाएगा? जो पहले मंगलसूत्र पहनाएगा वही सुहागरात मनाएगा। गेट लॉस्ट।